फाइनली आपने देखा एनिमल कैसी लगी मैम? ठीक थी, अच्छी हो सकती थी, काफ़ी डिसअपॉइंटेड हूँ क्योंकि जैसा नाम था टाइटल का तो लग रहा था कि चलो कुछ अच्छा देखने मिलेगा और ज़्यादा वायलेंस होगा फर्स्ट हाफ में जो था, बट सेकेंड हाफ होते होते काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट था कि जिसके बारे में इतनी हाइप थी तो वो हाइप पे खड़े नहीं उतरे। फीकी थी, मुझे नहीं अच्छी लगी। अगर रश्मिका की जगह कोई और एक्टर होती तो शायद वो इम्पैक्ट छोड़ देती, बट नो। BGM स्कोर वॉज सुपर, मैं उसके लिए पूरे मार्क्स देना चाहूँगी। म्यूजिक भी अच्छा था, अरिजीत सिंह का सॉन्ग है, बी प्राक का सॉन्ग है, दोनों सॉन्ग बहुत अच्छे थे। अगर स्टोरी की बात करें तो बाप बेटे की बॉन्डिंग दिखाई है, तो अनिल कपूर जो फादर बने हुए हैं तो उनके बारे में क्या बोलोगे? वो खरे उतरे हैं, उन्होंने जो उनका कैरेक्टर था एक फादर और सन का, उनके सारे इमोशंस दिखे, एंगर, जेलिसी, रिवेंज, वो सब देखने मिला जो एक हम एक आम दुनिया में देखते हैं। सिमिलरली वो उनके बीच में जो बॉन्ड था वो देखने मिला ऑन स्क्रीन। हाँ, उनकी सेकेंड इनिंग है, हाँ कम बैक अच्छा था, बट आई विश उनका स्क्रीन टाइम कुछ ज़्यादा होता तो मुझे और अच्छा लगता। बींग म्यूट, वो गूंगे थे, नहीं भी थे, बट फिर भी उन्होंने एक अपना एक इम्पैक्ट छोड़ा जब भी स्क्रीन पे आए, वो उनका स्क्रीन प्रेजेंस वो दिखा गया कि ही इज़ लॉर्ड बॉबी देओल फॉर रीजन। अगर डायरेक्टर की बात करें तो संदीप रेड्डी वांगा जिन्होंने कबीर सिंह बनाई थी, और लोग कंपेयर भी करें, क्या लगता है आपको कि कौन सा बेटर लगा है सारा? जब भी साउथ के डायरेक्टर बॉलीवुड एक्टर के साथ करते हैं वो उनका फुल पोटेंशियल का यूज़ करते हैं, जो इस मूवी में आपको देखने मिलेगा, तो या अच्छा लगा मूवी। गाने की बात करें तो आपको कौन सा गाना जो आपको? बी प्राक का जो भी चल रहा है सॉन्ग वो बहुत अच्छा लगा। एंड में कुछ हिंट भी दिया गया मूवी के? हाँ, एक प्लॉट के एक ट्विस्ट के साथ दिया गया है जो मैं रिवील नहीं करूँगी, सो या आई एम वेटिंग फॉर द नेक्स्ट पार्ट। 3/5। थैंक यू।